माता की, भारत माता की। हम सुन रिल रहा कि यहाँ के लोग सबके प्यार में यहाँ के लीची के मिठास समायल है। अपन सबके ऐसन भीड़ ये बात के सबूत है। मुजफ्फरपुर शहीद खुदीराम बोस, जुब्बा सहनी जैसन वीर के धरती है। ये धरती महान समाजवादी नेता और हमार सबके आदरणीय श्री जॉर्ज फर्नांडिस जी के कर्मभूमि रहल है। ऐसन महान विभूति सबके ई धरती के हम प्रणाम करै छी। मंच पर विराजमान बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान जीतन राम मांझी जी, राज्य सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, मेरे संसद में साथी डॉक्टर अरुण कुमार, श्रीमान अजय निषाद, श्रीमान रामचंद्र पासवान, श्रीमान नरेंद्र सिंह, श्रीमान देवेश चंद्र ठाकुर, श्रीमान गिरीश संगी, श्रीमान रामचंद्र चंद्रवंशी, श्रीमान राजेश वर्मा जी, श्रीमान लाल बाबू प्रसाद जी, श्रीमान विनोद जी, श्रीमान अरविंद कुमार सिंह, श्रीमान अरविंद मैनन जी, श्रीमान देवेश कुमार, श्रीमान रामेश्वर पप्पू जी, श्रीमान शशि सिंह जी, श्रीमान रविंद्र सिंह जी, और इस चुनाव में भाजपा एनडीए के जनप्रिय उम्मीदवार, भाजपा के उम्मीदवार मुजफ्फरपुर से श्रीमान सुरेश कुमार शर्मा, गायघाट से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमती वीणा देवी, साहेबगंज से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान राजू कुमार सिंह, मीनापुर से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान अजय कुमार, पारू से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान अशोक कुमार सिंह, कुडनी से भाजपा उम्मीदवार श्रीमान केदार प्रसाद गुप्त, कांटी से हम पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान अजीत कुमार, ओराई से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान राम सूरत राय, बोचहा से लोजपा के उम्मीदवार श्रीमान अनिल कुमार जी, और विशाल संख्या में पधारे हुए मुजफ्फरपुर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये शहर यहां से 8-10 किलोमीटर दूरी पर है और मैं वहां से देख रहा हूं लोगों का आने का रास्ता सिलसिला चल रहा है। आज इस क्षेत्र में
चार घंटे के बाद प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। ये 1 तारीख को जहां मतदान है, चौथे चरण के जो मतदान है उसके प्रचार का ये आखिरी समय है, और उस समय मुझे आपके आशीर्वाद पाने का सौभाग्य मिला, इसलिए मैं बिहार के नेताओं का बहुत बहुत आभारी हूं कि मुझे आपके आशीर्वाद का सौभाग्य दिया। भाइयों बहनों, पहले 3 चरण का मतदान शांतिपूर्ण हुआ, उत्साहपूर्ण हुआ, लोकतंत्र की ताकत बढ़ाने वाला हुआ, पुराने सारे आंकड़े थे उसको पार कर दिया, और इसलिए इन 3ों चरण में मैं सभी मतदाताओं का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आमतौर पर चुनाव का 1 चरण समाप्त हो, दूसरा समाप्त हो, तीसरा समाप्त हो, जो चुनाव अभियान करते हैं वे एक शांति महसूस करते हैं, चलो भाई 2 हो गया, 3 हो गया। लेकिन मैं हैरान हूं, जैसे जैसे चुनाव का 1-1 चरण पूरा होता जाता है, महास्वार्थ बंधन की परेशानी बढ़ती जाती है। पहले वो इतनी गाली देते थे तो 3 चरण के बाद इतनी गालियां देते हैं, पहले इतना झूठा आरोप लगाते थे तो 3 चरण के बाद इतना झूठा आरोप लगा रहे हैं, पहले दो हाथ से कीचड़ उछालते थे, अब जो भी साधन मिले उसका उपयोग करते हुए कीचड़ उछाड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन नीतीश बाबू, लालू जी, आप लिख करके रखो, आप जितना ज्यादा कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। भाइयों बहनों, चुनाव एक लोकतंत्र का पर्व होता है, और लोकतंत्र के पर्व में लोकतंत्र को मजबूत बनाने की एक निरंतर प्रक्रिया चलती है। चुनाव लोकतंत्र को मजबूत बनाने का, लोक शिक्षा का एक पवित्र अवसर होता है। सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों ने, राजनीतिक जीवन में काम करने वाले लोगों ने, शासन व्यवस्था से जुड़े लोगों ने लोक शिक्षा का अविरत काम करते रहना ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक होता है। अपने नेताओं से लोगों को परिचय करवाएं, अपनी नीतियों से परिचित करवाएं, अपनी योजनाओं से परिचित करवाएं, जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं को
किस प्रकार से पूर्ण करेंगे ये समझाने का प्रयास करें। एक प्रकार से ये चुनाव के महीने दो महीने का कालखंड एक ओपन यूनिवर्सिटी होता है, जहां पढ़े लिखे अनपढ़ गांव के गरीब अमीर सब हर किसी के सामने एक लोक शिक्षा का अभियान चलता है। और चुनाव में जो लोग सरकार में बैठे हैं उनकी सबसे पहली जिम्मेवारी बनती है वो चुनाव में अपने काम का हिसाब दें। मुझे बताइए भैया, चुनाव में सरकारों ने अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हिसाब देना चाहिए ना, पल पल का हिसाब देना चाहिए, पाई पाई का हिसाब देना चाहिए। जब 2019 में लोकसभा का चुनाव होगा और मैं जब उस समय आपसे लोकसभा के लिए वोट मांगने आऊंगा तो मुझे दिल्ली सरकार के काम का हिसाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? पल पल के काम का हिसाब देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? और अगर मानो कोई काम छूट गया रह गया कठिनाई के कारण तो मुझे जनता को बताना पड़ेगा ना कि भाई ये दो काम रह गए, ये छूट गया, ये कहना पड़ेगा कि नहीं कहना पड़ेगा? मेरा अहंकार चल सकता है क्या? मेरा झूठ चल सकता है क्या? लोगों की आंख में धूल झोंकने का पाप चल सकता है क्या? ये लोकतंत्र है, ये खेल नहीं चल सकता। अब वक्त बदल चुका है, नौजवान जाग चुका है, वो सरकार चलाने का मौका देता है तो वो पल पल का हिसाब भी मांगता है, पाई पाई का हिसाब भी मांगता है। भाइयों बहनों, यहां पर इस चुनाव में एक महास्वार्थ बंधन चुनाव के मैदान में है, जिसमें कांग्रेस पार्टी मैडम सोनिया जी मैदान में है। इन्होंने बिहार में 35 साल राज किया है, 35 साल। इसमें कई नौजवान ऐसे होंगे जब उनकी सरकार चलती थी कईयों का जन्म भी नहीं हुआ होगा। 35 साल तक राज किया है इन्होंने यहां पर। और दूसरे ये बड़े भाई और छोटे भाई, लालू जी ने 15 साल राज किया और नीतीश बाबू ने 10 साल राज किया। इन्होंने 25 साल राज किया है और इन तीनों ने मिलाकर के 60 साल राज किया है, 60 साल। आप मुझे बताइए, पिछले 60 दिन से चुनाव का अभियान चल रहा है, इन्होंने 60 साल के अपने काम का हिसाब दिया वो क्या किया वो बताते हैं क्या? क्यों नहीं किया वो भी बताते हैं क्या? मुझे बताइए, चुनाव में जो अपने काम का हिसाब न दे इससे बड़ा कोई अहंकार होता है क्या? क्या अहंकार के लिए कोई और सबूत की जरूरत है क्या? और कोई सबूत की जरूरत है क्या? और नीतीश बाबू हमें कहते हैं कि मोदी तो बाहरी है, बाहरी है। मैं जरा पूछना चाहता हूं जी, क्या मैं बिहार का जो भारत का एक अंग है, एक सामर्थ्यवान अंग है, जिस बिहार के लोगों ने वोट देकर के मुझे प्रधानमंत्री बनाया है वो बाहरी हो सकता है क्या?
क्या मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हूं क्या? क्या मैं बांग्लादेश का प्रधानमंत्री हूं क्या? क्या मैं श्रीलंका का प्रधानमंत्री हूं क्या? मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हूं कि नहीं हूं? बिहार हिंदुस्तान में है कि नहीं है? ये कह रहे बाहरी है। मैं जरा नीतीश बाबू को पूछना चाहता हूं, मैडम सोनिया जी भी दिल्ली में रहती है, उनको आप क्या कहोगे? बाहरी कहते हो कि बिहारी कहते हो? नहीं जरा जवाब दो, बाहरी कहते हो कि बिहारी कहते हो? तो क्या उनके लिए भी आपका बाहरी का खेल है क्या? क्या प्रकार का चुनाव अभियान चला रहे हैं लोग? जनता को विकास के काम के लिए जवाब देने की ताकत नहीं है, इसलिए इस प्रकार से गुमराह करने के खेल खेले जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के लोगों को भी बिहार के लोगों की जो राजनीतिक सूझबूझ है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये बिहार ऐसा प्रदेश है, जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन जब लेता है तो चुन चुन करके साफ करके देता है। जब कांग्रेस का सितारा चमकता था तब बिहार की जनता ने 35 साल तक बिहार में कांग्रेस को समर्थन किया और हर बार ये आशा की कि इस बार कुछ अच्छा करेंगे, शिक्षा के लिए कुछ करेंगे, दवाई के लिए व्यवस्था करेंगे, कमाई के लिए कुछ करेंगे। उन्होंने अपनी कमाई के लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन बिहारियों की कमाई के लिए कुछ नहीं किया, और उसका नतीजा यह हुआ कि जब बिहार की जनता को गुस्सा आया, जब उन्होंने कांग्रेस से हिसाब मांगना शुरू किया, और जब 35 साल के अपने कारोबार का हिसाब नहीं दे पाए, तो बिहार की जनता ने 25 साल पहले कांग्रेस को यहां से चुन चुन करके साफ कर दिया। 25 साल हुए, 25 साल भाइयों, ये बिहार की जनता ने कांग्रेस को पैर नहीं रखने दिया है, पैर नहीं रखने दिया है, ये बिहार की ताकत है। एक बार बिहार की जनता को धोखा किया, पता चल गया, तो बिहार की जनता कभी माफ नहीं करती है, माफ नहीं करती। बाद में लालू जी आए, जाति भांति भांति के बड़े खेल खेलते रहे, और ये इनके तो खेल इतने बड़े मशहूर रहते थे कि दिल्ली में भी अपने आप को बुद्धिजीवी मानने वाले खैर खा कहने वालों की टोलियां लालू जी को कंधे पर लेकर के घूमने में मजा लेती थी, यहां तक वो धूल झोंकने में माहिर थे। बिहार के लोगों को 15 साल तक धूल झोंकी, वे जेल कहे गए, उनकी पत्नी को भी उस लोगों ने स्वीकार कर लिया, इस आशा के स्वीकार कर लिया कि शायद ये बिहार के लिए कुछ करेंगे। लेकिन जब सच सामने आया, बिहार की जनता जाग गई और 15 साल के उनके पापों का हिसाब मांगा, और फिर जो उनको भगाया, जो भगाया, 10 साल हो गए पैर नहीं रखने दिया, 10 साल हो गए भाई। फिर नीतीश बाबू आए, जनता को लगा भाई ये अटल जी के साथ बैठे हैं, शायद अच्छा करेंगे, अटल जी के इनके पर आशीर्वाद है, शायद कुछ करके दिखाएंगे।
बिहार के लोगों को अटल बिहारी वाजपेयी पर भरोसा था और उस भरोसे के कारण उनको अवसर दिया, लेकिन आज 10 साल के बाद वो हिसाब देने की स्थिति में नहीं है, उनको भी वही पापों के हिसाब देने की नौबत आ गई है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये बिहार की जनता है जिन्होंने 35 साल तक बिहार को झेला, एक बार निकाला तो फिर आने नहीं दिया, जिनको 15 साल तक झेला, एक बार निकाला तो दोबारा घुसने नहीं दिया, और ये तीसरे की अब बारी है। लोग अब 10 साल में ही उनसे छुटकारा चाहते हैं, और इसलिए भाइयों बहनों, बिहार की जनता भावनाओं में बहने वाले लोग नहीं है, पक्का हिसाब किताब कर करके काम करने वाले लोग हैं। और मैं देख रहा हूं इस बार बिहार का भविष्य बिहार का नौजवान करना चाहता है। मुझे बताइए भाइयों बहनों, आखिर सरकारें होती किस लिए है? क्या सरकार मौज मजा करने के लिए होती है? क्या नेताओं को ऐशो आराम करने के लिए सरकार होती है? क्या सरकारें अपने भाई भतीजावाद करने के लिए होती है? क्या अपने यार दोस्तों को संभालने के लिए होती है? क्या अरे लोग सरकार बनाते हैं, सरकार उनकी सेवक बन करके जनता जनार्दन के लिए खप जाए, इसलिए सरकार बनाते हैं। भाइयों बहनों, अमीरों को सरकार की जरूरत नहीं होती है। अमीर के बेटे को पढ़ना है तो उसके तो घर टीचर लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, गरीब को पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल की जरूरत पड़ती है, सरकारी मास्टर जी की जरूरत पड़ती है, तब जाकर के गरीब के बच्चे की शिक्षा होती है, सरकार का एक काम होता है। भाइयों बहनों, अमीर अगर बीमार हो जाए तो हवाई जहाज लेकर के डॉक्टर आकर के खड़े हो जाते हैं, हवाई जहाज में उनको दुनिया के में कहीं पर भी लिया जा सकता है, गरीब का बच्चा बीमार होगा तो वो कहां जाएगा? अगर गरीब का बच्चा बीमार होता है तो उसको तो सरकारी अस्पताल पर ही भरोसा रखना पड़ता है, सरकारी डॉक्टर पर भरोसा करना पड़ता है, सरकारी दवाई पर भरोसा करना पड़ता है। गरीब के लिए तो ये सरकार प्राथमिकता होनी चाहिए, तब जाकर के भाइयों बहनों गरीब का कल्याण होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, सरकार उनके लिए होती है जिसका कोई नहीं होता है, सरकार उनके लिए होती है जिनके पास कोई सहारा नहीं होता है। और इसलिए हम एक ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जो सरकार गरीबों की ओर ध्यान दे, गरीबों की भलाई के लिए काम करे। भाइयों बहनों, हमारे देश में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और ये कहा था कि ये सारी बैंकें धन्ना सेठों के कब्जे में है, बैंकों का पैसा धन्ना सेठों के कहीं काम आता है, बैंक गरीब के लिए काम नहीं आती है, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए और बैंक गरीबों के लिए खोल दी जाए, ऐसा वादा किया था। इंदिरा जी को गए भी तो सालों बीत गए, दशके दशक बीत गए, लेकिन बैंक के दरवाजे तक कोई गरीब नहीं जा सकता था, कोई बैंक वाला गरीब की तरफ देखने को तैयार नहीं था। हम आए, हमने निर्णय किया ये बैंक गरीब के काम आनी चाहिए, बैंक गरीब के लिए होनी चाहिए। और भाइयों बहनों, हमने जनधन अकाउंट खोलने का अभियान चलाया, बैंक के लोगों ने भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और 17-18 करोड़ लोग जिनको कभी बैंक के दरवाजे पर जाने का सौभाग्य नहीं मिला था, आज उनके सबके बैंक के खाते खुल गए, उनको रुपए का कार्ड मिल गया। और मेरे देश के गरीबों की अमीरी देखिए, अमीरों की गरीबी तो बहुत देखी है भाइयों, लेकिन मैंने तो गरीबों की अमीरी को देखा है। सरकार ने तो कहा था
कि जीरो बैलेंस से बैंक अकाउंट खोलेंगे, एक भी पैसा नहीं होगा तो भी बैंक अकाउंट खोलेंगे। लेकिन मेरे देश के गरीबों ने 25,000 करोड़ रुपया से ज्यादा रकम बैंकों में जमा करवाई और खाते खुलवाए, ये मेरे गरीबों की अमीरी है। और इसलिए भाइयों बहनों, और आज अभी जब हमने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाए, जब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाए, आपको हैरानी होगी भाइयों, हमारे देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने का कोई काम करता है तो मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के जो छोटे छोटे लोग होते हैं, अपना छोटा मोटा कारोबार चलाते हैं, वो रोजगार देता है। अखबार बेचने वाला भी 5-7 नौजवानों को रोजगार देता है, दूध बेचने वाला भी 2-3 दूध बेचने वालों को रोजगार देता है, चाय बेचने वाला भी 4-6 जवानों को रोजगार देता है, गरीब आदमी सब्जी बेचने वाला होगा वो भी 1-2 आदमी को रोजगार देता है। लेकिन उनको बेचारों को पैसा चाहिए तो साहूकार के पास जाना पड़ता है और साहूकार चमड़ी उधेड़ दे ऐसा ब्याज लेता है, चमड़ी उधेड़ दे, और वो बेचारा व्यापार में अपना आधी कमाई तो ब्याज में ही देता रहता है और कभी कर्ज से बाहर नहीं आता है। हमने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाई और हमने निर्णय किया कि गरीब को जो छोटे छोटे काम करने वाला नाई होगा, धोबी होगा, अखबार बेचता होगा, छोटा ठेला लेकर के बिस्किट बेचता होगा, छोटे छोटे काम करने वाला क्यों ना होगा, अब उसको साहूकार के पास नहीं जाना पड़ेगा, हम उसको बैंक से पैसा देंगे, वो ब्याज के चक्कर से निकलेगा और वो अपना व्यवसाय विकास करना चाहता है तो उसको पैसों की कमी नहीं आनी चाहिए। अभी तो योजना लागू की है, अभी तो शुरू हुई है, मुश्किल से 4 महीने हुए, अब तक भाइयों बहनों ऐसे छोटे छोटे लोगों को, 60 लाख लोगों को, ये छोटा आंकड़ा नहीं है, 60 लाख लोगों को करीब करीब 37,000 करोड़ रुपए का लोन दे दिया गया है, 37,000 करोड़ रुपया। और भाइयों बहनों, इसमें ज्यादातर लोग बहुत ही छोटी रकम लेने वाले हैं, किसी को 10,000 चाहिए, किसी को 15,000 चाहिए, ये धन्ना सेठों वाला खेल नहीं है। और आज वो अपना कारोबार चला रहा है। भाइयों बहनों, इसमें जो बिहार को मिला है वो तो साहब आप देखिए, अकेले बिहार में 3.25 लाख लोगों ने, अकेले बिहार में 3.25 लाख लोगों ने पिछले 3-4 महीनों के भीतर भीतर इन बैंकों का लाभ लिया और करीब 1,100 करोड़ रुपया आज बिहार के इन सामान्य लोगों के पास गया और उन्होंने अपना कारोबार बढ़ाने में काम किया। मुझे बताइए, ये गरीबों की भलाई का काम हुआ कि नहीं हुआ? ये गरीब साहूकारों के चंगुल से मुक्त हुआ कि नहीं हुआ? ये हमें और आगे बढ़ाना है। मेरा गरीब से गरीब बिहारी भी स्वाभिमान के साथ खड़ा हो, इसके लिए बैंक आज गरीबों की सेवा में हमने खोल दिए, इस प्रकार से गरीबों की सेवा होती है। आप लोगों ने, जब लोगों ने सुना कि हम 1 रुपये का बीमा उतारेंगे, 1 रुपया गरीब 1 महीने का 1 रुपया दे, 12 महीने के 12 रुपया कोई गरीब दे सकता है, और 2 लाख रुपए का बीमा आज उसके जीवन में सुरक्षा का एहसास दिला रहा है। और भाइयों बहनों, मेरे लिए खुशी की बात है कि चाहे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो, या अटल पेंशन योजना हो, अकेले पूरे बिहार ने बहुत बड़ा कमाल करके दिखाया है भाइयों बहनों। और करीब करीब 70 लाख लोगों ने
यानी एक प्रकार से 70 लाख परिवार, 70 लाख परिवारों ने इस बीमा योजना, पेंशन योजना का फायदा उठाया है। इतने कम समय में इतना बड़ा फायदा लेने का काम बिहार के जागरूक मेरे मातृ साथियों ने किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, अगर हमें बिहार को आगे ले जाना है तो बाकी सारी बातों से हमने ऊपर उठना पड़ेगा, अपने पराये के चक्कर से निकलना पड़ेगा, भाई भतीजावाद से बाहर आना पड़ेगा। एकमात्र जड़ी बूटी है जो हमें बचा सकती है, उस जड़ी बूटी का नाम है विकास। बिहार को अगर आगे बढ़ाना है तो एक ही जड़ी बूटी काम आने वाली है, विकास। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे विकास के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं। देश को बचाने के लिए हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी। पिछले चुनाव में मैंने वोट मांगा था आपसे भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का। भाइयों बहनों, मेरी सरकार को 16-17 महीने हो गए हैं। आपके आशीर्वाद से मैं दिल्ली में बैठ करके आपकी सेवा कर रहा हूं। 16 महीने में हमारे गोर विरोधियों ने भी मुझको भांति भांति की गालियां दी होगी, भांति भांति के झूठे आरोप लगाए होंगे, लेकिन अभी तक हमारा कोई गोर विरोधी भी मोदी पर एक नए पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाया। भाइयों बहनों, बताइए मैंने वादा निभाया कि नहीं निभाया? कोयले का कारोबार में देश बदनाम हो गया था, उससे मुक्ति दिलाई कि नहीं दिलाई? 2G के कारोबार में देश को लूट लिया गया था, मैंने बचाया कि नहीं बचाया? भाइयों बहनों, जो वादा किया था उसको पूरा करने का ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूं मैं। और आज ईमानदारी के साथ देश आगे बढ़ रहा है, और ईमानदारी के साथ देश चलाने के लिए मैंने आपको वादा किया है उसको मैं निभा रहा हूं। क्या बिहार में ईमानदार सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहार में ईमानदार सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहार की जनता का पाई पाई बिहार के लिए खर्च होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी अभी आपने टीवी पे देखा होगा, अगर ये जो टीवी पर आपने देखा उसमें अगर कोई हमारा होता भाजपा वाला तो पूरी सप्ताह भर वो कार्यक्रम चलता। कभी मनोवैज्ञानिक आकर के विश्लेषण करते, कभी पुराने अफसर आकर के विश्लेषण करते, कभी पुराने नेता आकर, पता नहीं जितने भी प्रकार के डंडे हमको मार सकते थे मारे जाते। अभी कैमरा के सामने बिहार की नीतीश जी के सरकार के मंत्री रंगे हाथों रुपये लेते पकड़े गए, और वो बिहार का सौदा कर रहे हैं, सौदा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो तुम्हारा ये काम हो जाएगा, एडवांस में इतना दे दो, बिहार बेचने का एडवांस लिया जाता है, कैमरा के सामने लिया जाता है। लेकिन हमारे देश में खबर आई और चली गई, कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन नीतीश बाबू, दिल्ली वाले भले भूल जाए, बिहार की जनता नहीं भूलने वाली, आप याद रखो। बिहार की जनता भूलने वाली नहीं है। और नीतीश बाबू, आपने वादा किया था, आपने वादा किया था कि भ्रष्टाचार में जो पकड़ा जाएगा उसकी मिलकत, उसका मकान बंगला कब्जा कर लिया जाएगा और उसमें स्कूल खोला जाएगा। ये नीतीश बाबू ने कहा था ना, स्कूल खोलने के लिए कहा था? उनके एक मंत्री रंगे हाथों पकड़े गए हैं, लाखों रुपया लेते पकड़े गए, क्या उनके मकान को जब्त किया गया? क्या
उसमें स्कूल खोला गया क्या? मुझे बताइए, ये गपोड़बाजी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे भाई? ये मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जरा मैं और एक बात पूछना चाहता हूं, ये लालू जी, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप था कि नहीं था? न्याय अदालत ने उनके पर भ्रष्टाचार का आरोप मान्य रखा कि नहीं रखा? ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, अदालत ने उनको सजा की कि नहीं की? अभी जेल से वो पैरोल पर आए हैं कि नहीं आए हैं? क्या नीतीश बाबू, उनकी संपत्ति आपने जब्त की क्या? उनका बंगला जब्त किया क्या? उसमें स्कूल खोला क्या? क्यों नहीं खोला? क्योंकि आप पिछले दरवाजे से उनसे दोस्ती कर रहे थे, क्या कि चुनाव में आपको काम आ जाए। भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसे लड़ाइयां नहीं लड़ी जाती है। आपका जेडीयू का एमएलए उम्मीदवार 2 लाख लेता है, कहता है नहीं 5 लाख और दो, बाकी सौदा बाद में करूंगा। कैमरा के सामने भ्रष्टाचार की लूट चली है, लेकिन भाइयों बहनों, इनको कोई जवाब देना है, न शर्मिंदगी महसूस होती है, और हमारे कुछ लोग उनको सवाल भी पूछने की हिम्मत नहीं करते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं सार्वजनिक रूप से कहने आया हूं, देश को ईमानदारी भी चाहिए और देश को विकास भी चाहिए, तभी जाकर के देश प्रगति की ऊंचाइयों को पार करेगा। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, बिहार की सबसे बड़ी समस्या यहां के लोगों का, नौजवानों का पलायन है कि नहीं है? नौजवानों को बूढ़े मां बाप छोड़ करके जाना पड़ रहा है या नहीं जाना पड़ रहा? मुंबई दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में अपमानित जिंदगी जीनी पड़ती है कि नहीं पड़ती है? मैं एक दिन फरीदाबाद मेट्रो में गया था, तो मेट्रो में सफर कर रहा था तो कई नौजवान आकर करके नमस्कार कर रहे थे, तो मैं स्वाभाविक पूछता था कि कहां से हो, क्या हो। मैं हैरान था, मुझे उस मेट्रो ट्रेन में जितने लोग मिले उसमें 80% नौजवान बिहार से वहां रोजी रोटी खोजने के लिए आए थे। ये मजबूरी किसने पैदा की, आप मुझे बताइए? बिहार के नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पलायन बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बूढ़े मां बाप को छोड़कर के जाने की नौबत बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाइयों बहनों, और इसलिए मेरा 3 सूत्री कार्यक्रम है, मेरा 3 सूत्री कार्यक्रम है बिहार के सभी परिवारों के लिए है। न उसमें कोई जातिवाद का रंग है, न ऊंच नीच का रंग है, न छुआछूत का रंग है, न अपने पराये का रंग है। एक ही बात, बिहार के नौजवानों का भाग्य, बिहार की आने वाली पीढ़ी का भाग्य। और इसलिए मेरा 3 सूत्री कार्यक्रम है, पहला है पढ़ाई, दूसरा है कमाई, और तीसरा है दवाई। बिहार के गरीब से गरीब बच्चे को अच्छे से अच्छी, सस्ते से सस्ती शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अच्छे से अच्छी, सस्ते से सस्ती शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये पढ़ाई का अवसर गरीब के गरीब बच्चे को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और इसलिए मेरा 1 सूत्री कार्यक्रम है पढ़ाई, दूसरा है कमाई। बिहार के नौजवान को बिहार में कमाई करने का अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लालू जी के राज में क्या चलता था? अपहरण करना यही उद्योग था, फिरौती ये उद्योग था। अरे किसी के घर में नई गाड़ी आए तो उनके 4 लोग आ जाते थे, हफ्ता लिए बिना गाड़ी बाहर नहीं जाने देते थे, और गाड़ी बाहर ले गए तो गाड़ी रोड पर से उठ जाती थी। भाइयों, वो दिन बिहार ने देखे। और इसलिए भाइयों बहनों, अगर कमाई चाहिए तो यहां उद्योग लगना चाहिए, यहां की खेती को बल मिलना चाहिए। अब मुझे बताइए,
बिना बिजली को उद्योग लगेगा क्या? बिना बिजली को उद्योग लगेगा क्या? बिहार को बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आज भी हिंदुस्तान में बिहार एक राज्य ऐसा है जहां सबसे ज्यादा गांवों में बिजली नहीं है। 4000 गांव ऐसे हैं जहां बिजली का खंभा तक नहीं है भाइयों, खंभा तक नहीं है। मैंने 15 अगस्त को पब्लिकली कहा है, 15 अगस्त को कहा है, लाल किले की प्राची से कहा है, आने वाले 1000 दिन में हिंदुस्तान में जो 18000 गांव जहां बिजली नहीं है, हम बिजली पहुंचाएंगे, जिसमें 4000 गांव बिहार के हैं वहां बिजली पहुंचाएंगे। भाइयों बहनों, हमने 24 घंटे बिजली पहुंचाने का वादा किया है। 2022 जब हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल होंगे, हम 24 घंटे बिजली पहुंचाने का संकल्प लेकर के काम कर रहे हैं। और इस बिजली पहुंचाने के काम के लिए बिहार के एक-एक जिले को 350 करोड़ रुपए की पहली किस्त हमने ऑलरेडी देने का फैसला कर लिया है भाइयों, जो आपके मुजफ्फरपुर को मिलने वाला। बिजली आएगी तो उद्योग लगेगा कि नहीं लगेगा? ये नीतीश बाबू ने 2010 में जब आप पर से वोट लेने के लिए आए थे, तब उन्होंने कहा था वो बिजली देंगे, बिजली देने का वादा किया था, बिजली नहीं लाऊंगा तो वोट नहीं मांगूंगा कहा था। वो वोट मांगने के लिए आए कि नहीं आए? बिजली आई क्या? अरे बिहार में तो बस में लोग जाते हैं तो बात क्या करते हैं, ट्रेन में बैठे हैं तो बात क्या करते हैं, कभी फोन करते हैं हमारे यहाँ सूरत बिहार के लोग को, बेटा रिश्तेदारों से क्या बात करते हैं, बात क्या करें? अरे यार तेरे यहां आई थी क्या? वो कहता नहीं यार इस हफ्ते तो नहीं आई। तो बोले तुम्हारे यहां आई थी क्या? हाँ यार पिछले मंगल को 1 घंटे के लिए आई थी। यानी बिजली कब आई थी इसकी चर्चा होती है, कहते मंगल को 1 घंटे आई थी। ये तो इन्होंने हाल करके रखा है, बिजली ला नहीं पाते और वोट मांगने के लिए चले आए हैं। भाइयों बहनों, यहां पर उद्योग लगने के लिए हम भूटान गए, पानी से निकलने वाली बिजली का कारखाना लगाने का फैसला किया, नेपाल गए, पानी से निकलने वाली बिजली का कारखाना लगाने का फैसला किया, और यह भी निर्णय किया वो बिजली बिहार को दी जाएगी, बिहार को दी जाएगी। भाइयों बहनों, बिजली आएगी तो उद्योग लगेगा। ये आपकी मुजफ्फरपुर की लीची अगर बिजली होती और लीची को संभालने के लिए व्यवस्था होती, लीची के प्रोसेस के लिए व्यवस्था होती, तो यहां के किसान को कभी दुखी होने की नौबत नहीं आती भाइयों, नौबत नहीं आती। लेकिन उनको करना नहीं है। मैं तो हैरान हूं, बिहार में इतना पानी है, इतनी नदियां हैं, गरीब लोग हैं, मेहनत करने को तैयार है, सिर्फ मछली पकड़ने का काम वैज्ञानिक तरीके से किया होता ना, मछली पकड़ने का, तो आज बिहार के लोगों को खाने के लिए 400 करोड़ की मछली बाहर से नहीं लानी पड़ती भाइयों, बाहर से। पानी आपके सामने हो और मछली बाहर से लानी पड़े, 400 करोड़ रुपया हर साल मछली के लिए चला जाए, ऐसी कैसी सरकारें चलाई है इन्होंने। और इसलिए भाइयों बहनों, यहां पर बिजली रोजगार के लिए अवसर देने का कारण बननी चाहिए, उस पर हम बल देना चाहते हैं। और इसलिए मेरा दूसरा सूत्र है कमाई, मेरा तीसरा सूत्र है दवाई। बुजुर्गों को दवाई मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? डॉक्टर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? दवाखाना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमारे बुजुर्ग कहां जाएंगे भाइयों? और इसलिए हर परिवार के लिए मेरा कार्यक्रम है पढ़ाई, कमाई और दवाई।
भाइयों बहनों, बिहार के मेरा लिए तीन सूत्री और कार्यक्रम है, वो बिहार राज्य के लिए है, वो है बिजली पानी सड़क। अगर बिजली आ जाए उद्योग लग जाएंगे, बिजली आ जाए स्कूलों के अंदर कंप्यूटर चलने लग जाएंगे, बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिल जाएगी। भाइयों बहनों, पानी, अगर खेत में किसान को पानी मिला तो बिहार का किसान मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है, सोना पैदा कर सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, बिहार को आधुनिक बनाने के लिए सड़कों का जाल बिछाना चाहिए। और इसलिए मैं चाहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं, भारत को हमें दुनिया की ऊंचाइयों पर ले जाना है भाइयों, लेकिन अगर हिंदुस्तान का पश्चिमी छोर अगर विकास करेगा और पूर्वी हिंदुस्तान विकास नहीं करेगा तो भारत कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। केरल आगे बढ़े, कर्नाटक आगे बढ़े, गोवा आगे बढ़े, महाराष्ट्र आगे बढ़े, गुजरात आगे बढ़े, राजस्थान आगे बढ़े, हरियाणा आगे बढ़े, पंजाब आगे बढ़े, इतने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे शरीर में एक हाथ मजबूत हो लेकिन एक हाथ दुर्बल हो तो शरीर कभी मजबूत नहीं हो सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, अगर हिंदुस्तान का पश्चिमी किनारा आगे बढ़ रहा है तो हिंदुस्तान का पूर्वी छोर भी आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो, जब तक हम यहां आर्थिक ऊंचाइयां प्राप्त नहीं करेंगे हिंदुस्तान कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरा मकसद है हिंदुस्तान के पूर्वी छोर को पहली प्राथमिकता देना, उसको आगे बढ़ाना। और इसलिए 1,25,000 करोड़ रुपया का पैकेज बिहार की जनता के चरणों में रखा है भाई, और 40,000 करोड़ का पुराना पैकेज जो पहले दिया नहीं गया, कागज पे लिखा गया था, वो 40,000 करोड़ भी हम देंगे। 1,65,000 करोड़ रुपया ये कम नहीं होता है भाइयों, कम नहीं होता है। 1,65,000 करोड़ जब लगेगा तो बिहार का जीवन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बिहार का भाग्य बदलेगा कि नहीं बदलेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, जब मैं 1,65,000 करोड़ रुपया बिहार के भाग्य को बदलने के लिए लगाने की बात कर रहा हूं, तब भाइयों बहनों, ये हमारा मुजफ्फरपुर भी अछूता नहीं है। गंगा नदी पर मौजूदा एमजी सेतु, उसके समांतर नया 4 लेन पुल बनाने के लिए जो उत्तरी बिहार के सभी जिलों का लाभ मिलेगा, 5,000 करोड़ रुपया से एक नया ब्रिज बनाएंगे हम। मुजफ्फरपुर में नए एलपीजी प्लांट की स्थापना के लिए 110 करोड़ रुपये की लागत से काम होगा। वाल्मीकि नगर, नरकटियागंज, सुगौली, मुजफ्फरपुर सहित सुगौली रक्सौल रेलवे विद्युतीकरण के लिए 400 करोड़ रुपया लगाए जाएंगे। मुजफ्फरपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का केंद्र की स्थापना की जाएगी। हर घर में निरंतर बिजली मिले इसलिए जिले जिले को 250, 300, 350 करोड़ रुपया बिजली के लिए लगाया जाएगा। भाइयों बहनों, विकास एकमात्र रास्ता है हमारी समस्याओं का समाधान के लिए। और ये भीड़ जनसागर उनकी इतनी गर्मी बढ़ा देता है कि वो अनाप शनाप बोलते हैं, अब उनका जनता पे भरोसा नहीं रहा इसलिए तांत्रिकों की शरण चले गए हैं। उनको मंत्र तंत्र करने दो, न बिहार को तांत्रिकों के शरण भेजा जा सकता है, न बिहार की सरकार तांत्रिकों के भरोसे होनी चाहिए।
बिहार तो लोकतंत्र के भरोसे चलेगा, मंत्र तंत्र के भरोसे नहीं चलेगा। हम 18वीं शताब्दी में देश को नहीं ले जा सकते, हमें 21वीं शताब्दी में जाना है। हमारे नौजवानों को ताबीज नहीं चाहिए, उन्हें तो लैपटॉप चाहिए, तब जाकर के देश बदलने वाला है। भाइयों, ये 18वीं शताब्दी की मानसिकता तबाह करके रखने वाली है देश को। और इसलिए भाइयों, हमें आधुनिक बिहार बनाना है, प्रगतिशील बिहार बनाना है, विकास की ऊंचाइयों पर पार करने वाला बिहार बनाना है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं विकास के मुद्दे पर इस चुनाव के मैदान में आपके आशीर्वाद चाहता हूं। और मैं वादा करता हूं भाइयों, आप मुझे बताइए, कहीं पर एक स्कूटर गड्ढे में गिर जाए तो दो चार लोग मित्र इकट्ठे होकर के खींच करके बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकालते हैं ना। लेकिन कुएं में गिर जाए तो ट्रैक्टर लगाना पड़ता है कि नहीं लगाना पड़ता है? रस्सी बांध करके निकालना पड़ता है कि नहीं निकालना पड़ता? ये बिहार ऐसे गड्ढे में है, ऐसे गड्ढे में है कि एक इंजन से बिहार गड्ढे से बाहर नहीं निकलेगा। उसको दो इंजन की जरूरत है, एक बिहार सरकार का इंजन और दूसरा दिल्ली सरकार का इंजन। ये दो इंजन लगेंगे तब जाकर के इतने बड़े गड्ढे में से बिहार आएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, डबल इंजन लगाने के लिए मैं आपके पास आया हूं। दिल्ली सरकार का इंजन लग जाए और बिहार में आप ऐसी सरकार बनाइए, वो इंजन भी लग जाए तो आप देखिए बिहार गड्ढे में से बाहर आता है कि नहीं आता है। और एक बार गड्ढे में से आ गया तो बिहार नई ऊंचाइयों को पार कर लेगा भाइयों। और इसलिए मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। इतनी भारी संख्या में आकर के आपने आशीर्वाद दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, पहले चरण से दूसरे चरण में मतदान ज्यादा हुआ, दूसरे चरण से तीसरे चरण में मतदान ज्यादा हुआ, अब चौथे चरण की बारी है। सारे रिकॉर्ड तोड़ के मतदान करोगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान होगा। लोकतंत्र में मतदान करना हमारा दायित्व है। और इसलिए पहले मतदान करेंगे, बाद में जलपान करेंगे। पहले मतदान फिर जलपान। हर घर पहुंच करके नौजवानों, अधिकतम लोगों का मतदान करवाइए, शांतिपूर्ण मतदान करवाइए। और ये लोकतंत्र का उत्सव बन रहा है, हर गांव में लोकतंत्र का उत्सव बन जाए, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे हमारे उम्मीदवार वगैरह आ जाए, मेरे साथ मुट्ठी बंद करके बोलिए भारत माता की। सारे नेता लोग आ जाए, माजी साहब आगे आ जाइए, अरुण जी कहाँ गए, पासवान जी कहाँ गए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।